नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 9 नवंबर और 9 नवंबर से संबंधित जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स की डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे द्वारा अन्य वीडियोज़ भी इस चैनल पर डाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 7 नवंबर को। 7 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट स्वतंत्रता के सबसे अधिक दुरुपयोग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन जो है, चीन देश इंटरनेट के दुरुपयोग में सबसे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें एशियाई आपातकालीन चिकित्सा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो शेख खलीफा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जो शेख खलीफा थे ये फिर से उस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कौन है ये? यूएई के हैं। यूएई के राष्ट्रपति पहले भी थे और दोबारा से फिर शेख खलीफा यूएई के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवनीता देव सेन का निधन हुआ है, वह कौन थी? जो नवनीता देव सेन थी उनका निधन हो गया, तो वह कौन थी? ये थी एक प्रसिद्ध लेखक, ये एक प्रसिद्ध लेखक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मिता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फार्मिता मोबाइल लॉन्च किसने किया? ये बजाज आलियांच ने इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र शक्ति अभ्यास और यह भारत के साथ किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो यह इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया है, इंडोनेशिया देश के साथ यह अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो चक्रवात बुलबुल भारत के किस हिस्से में पहुंचा है? तो चक्रवात बुलबुल जो है ये उड़ीसा में पहुंचा है, उड़ीसा राज्य में ये चक्रवात बुलबुल भारत में पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ढाका लिटरेचर फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है? तो ये अभिषेक सरकार ने, ये अभिषेक सरकार लेखक ने ढाका लिटरेचर फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुलाबी कोठरी को राजा राम मोहन सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एएआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अरविंद सिंह एएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीधरन पिल्लई, ये हमने कल एक आपसे कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए थे? मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त हुए थे हाल ही में। दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ये हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम शुरू की गई है? तो हेल्थ एटीएम किस स्टेशन पर शुरू गई है? दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।